नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है पान सिंह और आप देख रहे हैं आओ सीखें यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पेटीएम के पोस्टपेड के बिल पे करने के बारे में। फ्रेंड्स, कई बार लोगों ने मेरे को मैसेज करके ये पूछा है कि पेटीएम का जो पोस्टपेड से अपन यूज करते हैं उसका बिल कैसे पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं पेटीएम का पोस्टपेड का बिल कैसे पे करते हैं। फ्रेंड्स, पेटीएम का लोन कैसे लेते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैसे लोन लेते हैं, और फ्रेंड्स लोन लेने के बाद यूज करने के बाद उसका बिल पे कैसे करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और पूरा एक एक स्टेप देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, और हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे किस तारीख से किस तारीख तक बिल आता है और किस तारीख तक बिल पे करना होता है, और नहीं करेंगे तो कितना अमाउंट या कितना रेंट या कितना इंटरेस्ट हमसे पेटीएम पोस्टपेड लेता है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सीधे हम जाएंगे अपने मोबाइल में। मोबाइल में आने के बाद हम आपको दिखाएंगे आज 3 तारीख है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बिल दिखाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे एसएमएस पेटीएम ने हमें कौन सा भेजा है। तो हम मैसेज बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर ये मेरे को मैसेज भेजा है पेटीएम ने, योर पेटीएम पोस्टपेड बिल फॉर मार्च 2019 ड्यू अमाउंट 20 रुपये, यानी मैंने केवल 20 रुपये खर्च किए थे इसमें से, तो मेरा बिल केवल 20 रुपये का आया है। ड्यू डेट यानी कि 7 अप्रैल तक आपको भरना है। ओके, तो ये इस प्रकार का मैसेज यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं नोटिफिकेशन पेटीएम भेजता है। तो चलिए सीधे हम बिल कैसे पे करेंगे, तो हम जाएंगे सीधे पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। पेटीएम फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आपको ऊपर फ्रंट में जाना है पेटीएम पोस्टपेड में। तो चलिए यहाँ पर हम पेटीएम पोस्टपेड मैंने क्लिक कर दिया हुआ है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। 20 रुपये लिखा है उसके सामने, पे लिखा हुआ है 480 रुपये, उसमें लिखा है अमाउंट लिमिट, यानी कि हमें केवल 500 रुपये इसमें लोन मिला था। लोन कैसे लेते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो हम सीधे बिल पे करेंगे आज, क्योंकि 3 तारीख है, 7 तारीख तक बिल पे करना होता है। ओके, तो सीधे यहाँ पर हम बिल पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने इस प्रकार लिखा हुआ आ रहा है ड्यू अमाउंट 20 रुपये, यानी कि 4 दिन रह गए हैं। ड्यू डेट रेड कलर में लिखा हुआ है, टोटल आउटस्टैंडिंग आ रही 20 रुपये, यानी कि अभी कोई रेंट नहीं लगा हुआ है, तो टोटल केवल आपको 20 रुपये पे करना है। तो हम प्रोसीड टू पे हम जैसे ही क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, और प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा भेज दिया जाएगा पेमेंट करने की तरफ। तो यहाँ पर आप स्टेट बैंक UPI से भेज सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम ऐप, किसी से भी आप पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पे करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ UPI से। तो पे 20 रुपये पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डाल दूँगा अपना मैं UPI पिन नंबर। ओके, यहाँ पर मैंने UPI पिन नंबर अपना डाल दिया है और यहाँ पर हम सीधे क्लिक कर देंगे ओके राइट पर। तो आप देख सकते हैं ये 20 रुपये हमारे पे होने वाले हैं। ऑर्डर समरी आ रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे क्या होने वाला है क्या। आप देख सकते हैं हमारे पास एक मैसेज आ चुका है। ओके, तो मैसेज पहले हम सीधे में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर पेटीएम ऑफ और बिल 20 रुपये रिसीव्ड और पेटीएम से, यानी कि 20 रुपये पेटीएम को पहुंच चुके हैं और सक्सेसफुल आ रहा है ये। ओके फ्रेंड्स, सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, तो चलिए पहले हम आपको मैसेज भी दिखा देते हैं। तो ये मैंने मैसेज आया है, इसको मैंने ओपन किया, इस पर लिखा है पेटीएम 20 रुपये। ओके, तो आपके ये पूरे पोस्टपेड जो था बिल था जो पूरा 500 रुपये हो चुका है। ओके, तो यहाँ से मैंने पेटीएम के पूरे पेमेंट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर दोबारा पेटीएम को ओपन करेंगे और बिल पेटीएम पोस्टपेड लिखा है उस पर वापस जाएंगे हम, और वापस जाने के बाद देखते हैं उसका इंटरफेस कैसा। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपके टोटल 500 रुपये हो चुके हैं, यानी कि अब दोबारा से आप खर्च कर सकते हैं। ओके, यानी कि बिल आपका पूरा पे हो चुका है। इस महीने आप खर्च करेंगे तो अगले महीने आपको 1 तारीख को बिल आएगा और 1 से 7 तारीख के बीच में आपको पेमेंट करना होगा। ओके, तो बस इस वीडियो में केवल इतना ही। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉच, गुड बाय।